हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, मुझे बताना कमेंट में। भी बहुत अच्छे हैं। तो आज देखो, मेरी बीवी तैयार हुई नए कपड़े पहन के। मैंने इसके अंदर की ना ऊपर से एंटोनी उतार रही है, तो मैंने कहा ऐसे पहना के देखती हूँ कैसी लग रही है। तो हम लोग जा रहे थे ना यूट्यूब के लिए फोटो खींचने, तो मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। कहाँ हुआ, मुझे देखो कैमरे में देखो। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते, आप लोग कमेंट तो करते नहीं, मगर मैं जब भी ब्लॉग बनाऊंगी और मैं अपलोड भी करूंगी। है ना बेटा, बता दो सबको, बता दो मेरे कपड़े कैसे लगे नए नए। अच्छे लग रहे हैं ना बेबी के मेरे कपड़े, मेरे सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे शॉर्ट वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, वो भी बताना। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, वो कोई देखता होगा तो है नहीं। बहुत गर्मी लग रही है, और जैसे गर्मी ज़्यादा ही लग रही है मुझे बाहर। एक तो मैंने खुले कर रखे, शायद इसलिए गर्मी लग रही है। मतलब मेरे बाहर गीले हैं ना, इसलिए। खड़े हो जाओ। ए भाई साहब, इनको बैठना नहीं है। देखो कैसे उलर रही है, देखो देख लगी कैमरे में। नहीं मेरा बेबी, हाय मेरा कोना, मेरा सोना, मेरा बाबू। अच्छा कैमरे में देख लो भाई, लड़ आ गई, लड़ आ गई। शमायरा, तुम शमायरा होगा। मैंने लगता दादी बड़े कपड़े ले लिए अपनी बेटी के लिए, वो मुझे ना अंदर की उतार देनी चाहिए थी। मैंने कहा अभी उतार, बताइए। सोने जा रही थी, मैंने कहा उसको सोने नहीं दूंगी मैं, अगर सो गई तो फिर इसको छुट्टी 3-4 घंटे की। मैंने कहा एक तो पन्नी सामने रखी ना, तो उस वही देख रही है लेने के लिए। अभी देखना कैसे पकड़ाएंगे ना, तो वो पकड़ेगी ना। ये पन्नी से बहुत खेलती है, खिलौनों से नहीं खेलती मेरी बेटी। बहुत लेट आ रही है ना, ये तो पीछे सफ़ेद कलर का पोता है ना, तो वही वजह से आ रहा होगा। लो अब नहीं पकड़ोगी। तो बाय गाइस, आप लोगों को मैं बाद में मिलती हूँ। मुझे छोटा ही सा ब्लॉग बनाना था। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बाय।